हमारे सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, और इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे नेटाल भारतीय कांग्रेस की। हम आपको बताएंगे नेटाल भारतीय कांग्रेस की कब स्थापना हुई, कहाँ स्थापना हुई, और किसने स्थापना की, और क्यों स्थापना की, और एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेटाल भारतीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। यानी नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका देश में। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ 1895 में की थी। यानी नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। कब की? 1895 में की। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में की। क्यों की? दक्षिण अफ्रीका में हो रहे भारतीयों के अत्याचार के खिलाफ की। गांधी मानद सचिव थे, वहीं अब्दुल्ला हाजी एडम झावरी, दादा अब्दुल्ला जिसे कहते हैं, वो अध्यक्ष चुने गए। यानी नेटाल भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दादा अब्दुल्ला। नेटाल कांग्रेस ने अपनी शुरुआती दौर में सभी जातियों, लिंगों और पंथों के लोगों को सामान्यता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1920 के दशक से संगठन ने छात्र संगठन ASAIC यानी दक्षिण अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के तहत कार्य किया। हालांकि 1930-1940 के दशक में NIC ने अधिक क्रांतिकारी नेतृत्व का अनुभव किया, जब डॉक्टर GM नाइकर मुख्य उभरे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसका महात्मा गांधी ने स्थापना की थी? आपका आंसर होगा नेटाल भारतीय कांग्रेस की। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। कब हुई? 1895 में हुई। किसने की? महात्मा गांधी ने की। और उस वक्त इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अब्दुल्ला हाजी एडम, जिसे हम दादा अब्दुल्ला नाम से जानते हैं, और जिसका केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। थैंक यू।